वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने थर्ड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन के थर्ड लेक्चर में प्रेजेंट है। फर्स्ट लेक्चर में अपने ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, किसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ये सब स्टडी किया। सेकेंड लेक्चर में इस चैप्टर में यूजफुल जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, वो सबके बारे में अपने ने स्टडी किया। और अब अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली जो भी कॉम्प्लेक्सेस है उसके टाइप्स जो अभी प्रेजेंट है उसको किस बेसिस पे एक्चुअली कॉम्प्लेक्स को देख के अपने डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो पहला टाइप है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स का, उसको देख के डिवाइड किया इस तरीके से कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन दैट कॉम्प्लेक्स। और जो थर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग पैटर्न। क्लियर? तो ये सब जो है, ये सब के बेस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्चुअली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक एक करके अपने देखते हैं कि क्या है एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें। आप देखो, एक होता है कैसायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो कैसायनिक कॉम्प्लेक्स है वो कैस आयन क्यों बोला है, या कैट आयन, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है गाइस, आप इस पे मत जाइएगा, ठीक है। तो कैट आयन या कैस आयन जो भी है उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा क्यों बोला है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अपने ने वो देखा था कि हमेशा वो कैसा रहता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है या कैपिटल ब्रैकेट है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और वो स्क्वायर ब्रैकेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे जो चार्ज लगा है वो कैसा है, एक्चुअली पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैस आयनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स। वैसे ही अगर जो कॉम्प्लेक्स है अपना, वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलूंगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो एनायनिक या कैसायनिक किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो चार्ज उसके ऊपर जो ताज लगाया हुआ है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेस पे डिपेंड करता। जबकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। क्यों कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ज अपने कैसे फाइंड आउट करते थे, याद करो मैंने टर्मिनोलॉजी में भी ये पॉइंट सिखाया था कि सपोज ये NH3 जो है वो कैसा टाइप ऑफ लिगेंड है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब ये जो Cu का जो चार्ज है वो क्या है, +2। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब आयनाइज करने के लिए अपने किसका यूज करते थे, काउंटर आयन। आई थिंक सो यू ऑल रिमेंबर। नहीं देखा हो तो गाइस पहले टर्मिनोलॉजी देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो वो चार्ज इस, ये मेटल का चार्ज है, ठीक है, ये इसमें ये मेटल का चार्ज है, और इसमें एक CN की वैलेंसी है, नेगेटिव लिगेंड है, मतलब एक CN का क्या आएगा, -1। तो टोटल कितना है यहां पे, 6 लिगेंड्स है, तो टोटल -6 हो गया इसका चार्ज, और ये Fe का क्या होगा, +2। तो +2 -6 क्या कैरी करेगा, -4। इस तरीके से एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां पे आप नोट डाउन करो कि जो Pt है उसका चार्ज है +2, और NH3 जो है वो न्यूट्रल है, और जो Cl है वो -2 है, क्योंकि एक Cl का -1, तो दो Cl का क्या हो गया, -2। तो ये +2 और ये -2, तो टोटल मिलके जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, 0। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स को अपने किसके अंदर कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? आई होप फर्स्ट वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जो एक्चुअली टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैसे अपने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है। अब सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड जो है उसमें टोटल दो टाइप के लिगेंड्स के बेस पे लोग ने डेरा किया है। एक है होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसको नाम क्यों दिया है, जैसे अपने पहले अपने पढ़ते थे, याद होगा आपको, होमो मींस सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, हेट्रो मींस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। तो वही वाला वर्ड यहां पे भी यूज किया है इन्होंने, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या, होमोलेप्टिक मतलब सपोज यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है आप वो नोटिस करो कि किस टाइप का है, सबके सब एक जैसे है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सपोज Cu है तो उसके चारों साइड जो लिगेंड्स एक्चुअली डोनर है अपने, वो कैसे है, NH3, यहां पे भी NH3, और यहां पे भी NH3, और यहां पे भी NH3, मतलब सबके सब कैसे है, ऑल
ligands are of same type. जब same type के ligand present हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे? Homoleptic. वैसे ही आप CN6 को देखिए तो यहां पे सब जगह पे क्या present होगा? CN like, right? और यहां पे ये भी क्या होगा? CN. ये जो भी मैंने structure बनाया उसको geometrical structure मैंने ये भी आपको बताया था terminology में, ये octahedral structure carry कर रहा है. But यहाँ पे सारे के सारे जो donors actually जो ligand है वो कैसा है? Same. इसका मतलब ये किस type का ligand है? ये भी homoleptic. मतलब ये कैसा type का है? Homoleptic. ये भी कैसा है? Homoleptic. But ये जो है वो कैसा होगा? Heteroleptic. Why heteroleptic? आप देख के देख बता सकते हो मुझे कि जो metal के साथ जो ligands है actually उसमें से एक दो जो है वो NS3 है और दो जो है वो Cl2 है. मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में. इसके लिए ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को अपने क्या बोलेंगे? हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. मतलब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्लासिफाई किया है वो किसके बेस पे किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड. ठीक है, कितने टाइप के लिगेंड्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसके बेस पे डिवाइड किया गया है. क्लियर? और उसके बाद जो लास्ट वन है, थर्ड वन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न. तो ये बॉन्डिंग पैटर्न क्या है? जब लिगेंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कर रहा है? ये मैंने यहां पे अलग से बताया हुआ है कि जो लिगेंड है उसके लोन पेयर्स, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर्स जो पड़े हैं वो मेटल को वो डोनेट करता है, राइट, और एक बॉन्ड बनाता है. क्लियर? तो ये जो बॉन्ड बना रहा है वो, तो यहां पे उसने क्या किया? ये लोग लोन पेयर डोनर, लोन पेयर मतलब जो पड़ा है इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा पड़ा था उसने उसको डोनेट किया मेटल को और एक बॉन्ड बनाया. मतलब कौन सा बॉन्ड बना? यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना, राइट. तो ऐसे बॉन्ड को अपने क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड जो है अपने लोन पेयर डोनेट करते मेटल को वो क्या होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ज्यादातर अपने इस चैप्टर में सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस के ही सब एग्जांपल्स है. और सपोज ऐसा समझो कि जो बेंजीन रिंग है एक्चुअली, ठीक है, जो बेंजीन रिंग है वो अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड को अपने क्या बोलते थे? पाई बॉन्ड, याद है ना. तो पाई बॉन्ड किससे बना होगा? पाई इलेक्ट्रॉन से. तो अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर वो मेटल को डोनेट करता है तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पाई बॉन्ड. तो उस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्सेस. क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया जबकि यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया था, ठीक है. तो यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए है तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स को अपने क्या बोलेंगे? पाई कॉम्प्लेक्सेस. और इसको अपने क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर? तो तीनों के तीन टाइप आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? अब उसके बाद जो फोर्थ वन है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी. क्लियर? इसको भी अपने डिटेली आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. बट आपको यहां पे स्टेबिलिटी का क्या मतलब, कि ये स्टेबिलिटी क्या है, ये वर्ड के बेस पे कैसे कॉम्प्लेक्सेस को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. तो देखो, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है कैडमियम सल्फेट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल को अपने पहले देखते हैं. जो कॉपर सल्फेट है उसको अपने ने उसके अंदर क्या ऐड किया? CN लिगेंड ऐड किया, ठीक है. इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया, प्रोसेस हुआ. तो जैसे इन दोनों के बीच में प्रोसेस हुआ तो क्या अपने को मिला? CuCN twice. अब इसको वापस अगर तुम वापस कंटिन्यू CN ऐड करते जाइएगा, ठीक है, इस तरीके से आप प्रोसेस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? CuCN. और इसके अंदर से मतलब और एक बार ऐड करने पे वो CN ये twice CN को रिप्लेस कर देता है. और ये जो twice CN को उसने रिप्लेस किया है उसको अपने बोलते हैं संयोजन. क्या बोलेंगे उसको? संयोजन, ठीक है. अब ये जो अपने को आउटपुट मिल गया था, एक्चुअली ये जो अपने को आउटपुट मिला था, ठीक है, आफ्टर एडिंग CN माइनस अगेन, तो ये जो CuCN गया और एक बार फर्दर प्रोसेस करो तो आंसर मिलेगा तुमको CuCN 4 और ऊपर आएगा चार्ज 3 माइनस. क्लियर? अब ये कंपाउंड को जब विद रेस्पेक्ट टू H2S आप डिसॉल्व करोगे या रिएक्ट कराओगे, इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होगा, तो आपको ये दिख रहा है कि कोई भी पीपीटी प्रोड्यूस नहीं हुआ. देयर इज नो पीपीटी. इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स जो बना है वो कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू H2S, विद रेस्पेक्ट टू, ये वर्ड खास याद रखना क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू सम अनदर कंपाउंड वो स्टेबल है या नहीं वो पता चलता है. क्योंकि जैसे अपने उन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे और अगर सपोज ये कैपेबल है इसको आयोनाइज करने में, H2S अगर कैपेबल होता है इसको आयोनाइज करने में, तो यहां पे कुछ पीपीटी प्रोड्यूस होता,
बट यहाँ पे ये कैपेबल नहीं था, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल था क्योंकि ये इसको आयोनाइज नहीं कर पाया, और जब ये इसको आयोनाइज नहीं कर पा रहा है तो पीपीटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को अपने क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को अपने क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो उसके नीचे वाला जो एग्जांपल है वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। क्यों? आप देख सकते हो कि सेम वापस सेम प्रोसेस अपने ने CN ऐड किया, CDCN ट्वाइस बना, वापस CN ऐड किया, CDCN4 बन गया, लाइक अबव, ठीक है। बट जब इसको अपने इस कॉम्प्लेक्स को जब अपने ने H2S के साथ प्रोसेस करवाया, रिएक्ट करवाया, तो यहां पे येलो पीपीटी प्रोड्यूस हुआ। येलो पीपीटी प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या कि उसने उसको आयोनाइज किया, वो उसको ब्रेक करने में कैपेबल था, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को अपने क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयोनाइज हो जाता है वैसे कॉम्प्लेक्स को अपने बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स आयोनाइज नहीं होता वैसे विद रेस्पेक्ट टू सम कंपाउंड, ये वर्ड आप मत भूलिएगा, विद रेस्पेक्ट टू सम कंपाउंड, वो अगर आयोनाइज नहीं हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। बट विद रेस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स परफेक्ट या इम्परफेक्ट किसके रेस्पेक्ट में अपने मेजर कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू H2S। आप ध्यान रखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू सम कंपाउंड ही आप बोल सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, क्योंकि पॉसिबल है कि ये H2S के साथ नहीं हो रहा बट और कोई अनदर कंपाउंड के साथ आयोनाइज हो जाए। क्लियर? तो ये अपने ने जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है इसको चार पार्ट में अभी अपने ने स्टडी किया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।